स्कैम स्कैम यानी घोटाला। और घोटाला का हमारे देश से हमेशा ही बड़ा गहरा नाता रहा है, फिर वह बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की। हमें समय समय पर नए नए और हैरान कर देने वाले घोटाले हमारे सामने आते रहे हैं। ऐसा ही एक स्कैम 2016 में हुआ था, जहां एक कंपनी ने 251 रुपए में स्मार्टफोन का लालच देकर 200 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया था। दरअसल हम बात कर रहे हैं फ्रीडम 251 नाम के उस फेमस फोन की, जिसके झांसे में हमारे देश के करोड़ों लोग आए थे। आप में से भी काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस फोन के लिए अपने 250 रुपए का नुकसान किया होगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस स्कैम की साजिश आखिर किस तरह से रची गई थी और कैसे सबकी नजरों के सामने एक अकेले शख्स ने करोड़ों लोगों को बेवकूफ बनाया। दोस्तों, इस स्कैम की शुरुआत साल 2016 में उस समय हुई थी जब रिंगिंग बेल्स नाम की एक नोएडा बेस्ड कंपनी की तरफ से यह घोषणा की गई कि वे जल्द ही मार्केट के अंदर सिर्फ 251 रुपए में फ्रीडम 251 नाम का एक स्मार्टफोन लॉन्च करने वाले हैं। अब चूंकि इस फोन की कीमत हद से ज्यादा कम रह गई थी, ऐसे में इसके लॉन्च होने की खबर बेहद तेजी से पूरे भारत में आग की तरह फैल गई और लोग इस स्मार्टफोन को खरीदने के लिए उतावले हो गए। हालांकि इसके साथ ही बहुत से लोगों के मन में यह भी सवाल था कि आखिर इतनी कम कीमत में कोई कंपनी स्मार्टफोन कैसे लॉन्च कर सकती है, क्योंकि सस्ते से सस्ता स्मार्टफोन बनाने में भी मिनिमम 1500 से 2000 रुपए तक का खर्चा तो आता ही है। और जिस तरह के फीचर फ्रीडम 251 में देने की बात की गई, वैसे ही स्मार्टफोन बनाने के लिए तो कम से कम 2000 से 2500 रुपए तक का खर्चा सिर्फ फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग में आना ही था। दरअसल कंपनी की तरफ से इस पूरे मामले को इस तरह से पेश किया गया था जिससे लोगों को लगे कि ये कोई प्राइवेट नहीं बल्कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, क्योंकि उस समय देश में मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे कैंपेन काफी ज्यादा टेढ़ में थे। तो फिर ऐसे लोगों का इस कंपनी पर ट्रस्ट और भी ज्यादा बढ़ गया। साथ ही फंड को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में उसने कहा कि उसके पास कुछ बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो कि इस प्रोजेक्ट में पैसे लगा रहे थे। इसके अलावा कंपनी की तरफ से यह बयान भी आया था कि मोहित गोयल का अपना बहुत बड़ा फैमिली बिजनेस है, जिससे कमाया हुआ काफी सारा पैसा वो खुद इस प्रोजेक्ट में लगाएगा। मोहित गोयल को तो यह पता था कि लॉन्चमेंट में उनसे यह सवाल जरूर पूछे जाएंगे कि वे इतने सारे फीचर से लैस स्मार्टफोन को सिर्फ 251 रुपए में कैसे दे सकते हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए वे फंड कहां से लाएंगे और इतनी कम कीमत में इसे किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। इसके लिए मोहित ने इन सभी सवालों के जवाब पहले से ही तैयार कर रखे थे और इवेंट में जब उनसे ये सवाल पूछे गए तो मोहित ने कहा कि कंपनी नोएडा और हरिद्वार में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी और चाइना से पार्ट्स को इंपोर्ट करके इन्हीं प्लांट्स में स्मार्टफोन को असेंबल किया जाएगा। लेकिन बाद में पता चला कि मोहित गोयल या फिर उसके परिवार का कोई भी ऐसा बड़ा बिजनेस नहीं था, बल्कि वो यूपी के शामली डिस्ट्रिक्ट में एक मामूली सी किराने की दुकान चलाता था। लेकिन उस समय तक मोहित गोयल के बैकग्राउंड के बारे में इंटरनेट पर कोई खास इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं थी, इसलिए लोगों के सामने यह सच उजागर नहीं हो पाया। और इस तरह से सभी हथकंडों को अपनाते हुए मोहित गोयल और उसकी टीम ने पूरी कोशिश की कि लोगों को फ्रीडम 251 स्कैम ना लगे। देखा जाए तो वो लोग अपनी इस कोशिश में काफी हद तक कामयाब भी हो रहे, क्योंकि जब फ्रीडम 251 की प्री बुकिंग शुरू हो गई तो लोग इतनी बड़ी संख्या में इस मोबाइल को खरीदने के लिए सामने आए कि बुकिंग लेने वाली वेबसाइट ही पूरी तरह से क्रैश हो गई। हालांकि इस प्री बुकिंग में कैश ऑन डिलीवरी का कोई ऑप्शन नहीं रखा गया था, लेकिन 251 रुपए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, इसलिए ज्यादातर लोगों ने इस सोचा कि रिस्क लेकर देख ही लेते हैं। और ऐसा सोचकर उन्होंने 251 रुपए की पेमेंट करके अपने लिए मोबाइल बुक कर लिया। इस तरह से सिर्फ प्री बुकिंग से ही कंपनी ने करीब 145 करोड़ रुपए जमा कर लिए। अब हम जानेंगे कि कैसे कंपनी की छोटी सी गलती की वजह से यह स्कैम लोगों के सामने आ गया। बुकिंग के बाद से बारी थी डिलीवरी शुरू करने की, जिसके लिए कंपनी ने लोगों से वादा किया कि वे जल्द ही डिलीवरी शुरू करेंगे। लेकिन कंपनी के द्वारा तय की गई डेट तक किसी भी व्यक्ति को फोन की डिलीवरी नहीं मिल सकी,
इसके बाद भी कंपनी ने डिलीवरी डेट को कई बार आगे बढ़ाया, लेकिन डिलीवरी को लेकर कंपनी के सारे दावे झूठे साबित होते रहे। जिन लोगों ने फोन को प्री बुक किया था वो सिर्फ उसका इंतजार ही करते रहे। हालांकि इसके बाद से जब कंपनी पर प्रेशर डालकर पूछा गया कि डिलीवरी आखिर क्यों नहीं कर रहे, तो फिर कंपनी एक बिल्कुल नया बहाना लेकर सामने आई। दरअसल इस बार कंपनी ने कहा कि सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 50,000 करोड़ रुपए देने वाली थी, लेकिन सरकार ने ये पैसे कंपनी को दिया ही नहीं और इस वजह से स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग समय पर शुरू नहीं हो पाई। लेकिन रिंगिंग बेल्स, कंपनी ने सिर्फ आम लोगों का ही पैसा नहीं खाया था, बल्कि उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और साई फ्यूचर नाम की एक कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के साथ भी धोखा किया था, जहां पर एक एक डिस्ट्रीब्यूटर से उन्होंने 15 से 20 लाख रुपए तक जमा करवाए थे। यानी कुल मिला जुला कर इस कंपनी ने लगभग 200 करोड़ रुपए का स्कैम कर दिया था। अब चूंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में किए गए काम का अमाउंट आम लोगों की तरह छोटा नहीं था, ऐसे में इन सभी ने रिंगिंग बेल्स कंपनी और इसको चलाने वाले सभी प्रमुख लोगों पर केस फाइल कर दिया और इस तरह से ये केस पुलिस के हाथों में आ गया। साथ ही इस मामले की गंभीरता को देखते हुए टेलीकॉम मिनिस्ट्री भी इसमें इन्वॉल्व हो गई और इस केस की जांच पड़ताल काफी तेजी से शुरू की गई। इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि लॉन्च इवेंट में जिस फोन फ्रीडम 251 के तौर पर दिखाया गया था वो असल में फ्रीडम 251 नहीं बल्कि चाइनीज कंपनी एटकॉम का आइकॉन फॉर मॉडल था, जिसके असली नाम को वाइटनर लगाकर छिपा दिया गया था। अब दोस्तों, कंपनी ने जब देखा कि उनका स्कैम पूरी तरह से लोगों के सामने आ चुका है, तो फिर ऐसे में उन्होंने एक और चालाकी दिखाते हुए लोगों से कहा कि वे सभी प्री बुकिंग का पैसा उनके पेमेंट गेटवे के थ्रू रिटर्न कर देंगे। लेकिन इस कंपनी के पिछले सभी वादों की तरह इनका यह वादा भी झूठा साबित हुआ, या उन्होंने किसी भी व्यक्ति का पैसा रिटर्न नहीं किया। अब मामले को हाथ से निकलता देखकर मोहित गोयल समेत कंपनी के सभी प्रमोटर्स गायब हो गए, किंतु काफी समय तक इन लोगों की तलाश करने के बाद से आखिरकार इस स्कैम के असली मास्टरमाइंड मोहित गोयल को 24 फरवरी 2017 को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन मोहित गोयल यही नहीं रुका और साल 2021 में डाइफूड के बिजनेस के नाम पर हजारों कारोबारियों को चूना लगाया और 200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। और भी इस तरह की वीडियो देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें। क्या हो रहा है आपके मध्य प्रदेश में, हर खबर से अपडेट रहने के लिए आदर्श न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आप हमें अन्य सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं।